Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very very well. So, आज हम बनाने वाले हैं करेले का चोखा. आप इसे करेले का चोखा या करेले की चटनी भी कह सकते हैं. आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ करेले की बहुत ही हेल्दी रेसिपी. बहुत से लोग करेले को खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए. आप सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी. तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है. इसके लिए हमें चाहिए करेला, हरी मिर्च, नमक, लहसुन और ढेर सारा हरा धनिया और सरसों का तेल. तो करेले का कड़वापन निकालने के लिए हम इसे हल्का सा पील ऑफ कर देंगे, छील लेंगे. देन उसके बाद हम कट करके इसे बॉयल करेंगे. इसे बॉयल करने के लिए आप प्रेशर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए जब तक हमारे करेले बॉयल हो रहे हैं तब तक इसका मसाला रेडी कर लेते हैं. अब हम प्रिपेयर करते हैं इसका हरा मसाला, जो इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करेगा. इसे बनाने के लिए मैंने ग्राइंडिंग जार में खूब सारा हरा धनिया ले लिया है. अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च. हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं. और याद रहे हमें इसमें ऐड करेंगे लहसुन को. इन सारी चीज़ों को हमें बिना पानी मिक्स किए दरदरा पीस लेना है. तो चलिए तैयार है हमारा हरा मसाला. अब हम चेक करते हैं अपने करेले को. तो देखिए हमारा करेला भी अच्छे से बॉयल हो चुका है. इसके बाद अब हमें करेले से सारा पानी निचोड़ के अच्छे से निकाल लेना है. यहाँ मैंने करेले के बीज नहीं निकाले हैं, क्योंकि इसके बीज बहुत ही सॉफ्ट थे. अगर हार्ड हो तो आप उसे निकाल सकते हैं. सारा पानी निकाल के उस करेले को और उसके बीज को अच्छे से मैश कर लिया है. करेले को अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला, जिसे हमने बनाया था हरे धनिए, लहसुन और हरी मिर्च से. इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सरसों का तेल. सरसों का तेल डालना इसमें कंपलसरी है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है. इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है. तो चलिए तैयार है हमारा करेले का चोखा या करेले की चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है. ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. करेला हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. ये हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. ये हमारे वेट को कंट्रोल करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है. तो है ना बहुत सारे हेल्थ बेनिफिशियल. तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई